जैन दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज इंस्टीट्यूट। मैं अली मुल्ला, आइए यहाँ पे समीर सर से बात करने जाते हैं। नागपाड़े में आप यंग बॉय हो, तो यहाँ पे नागपाड़े में आप मुंबा देवी में आप क्या किसको लाना चाहते हो सर? मुंबा देवी में आज के टाइम पे हमारे अमित पटेल साहब यहाँ पे हैं। आज के टाइम पे 15 साल से अमित पटेल साहब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से काम कर रहे हैं और हम भी अमित पटेल साहब के साथ जुड़े हैं, अमित पटेल साहब को सपोर्ट करते हैं। अमित पटेल साहब ने मुंबा देवी में बहुत से काम किए हैं हमारे लिए, ऐसे बच्चों यंग बॉय चाहे ओल्ड हो लेडीज हो, जितने भी लोग हैं मुंबा देवी से अमित पटेल साहब ने बहुत काम किया है। एजुकेशन के बारे में, स्कूल के बारे में हो गया, अपना हॉस्पिटल लाइफ के बारे में हो गया, लेडीज सेफ्टी के बारे में हो गया, अमित पटेल साहब ने मुंबा देवी के लिए बहुत काम किया। अच्छा सर, जो लाठी बहन का जो है सिस्टम है क्या ही है? लाडकी बहन योजना जो माई सरकार ने निकाला है उससे तो हमारे फैमिली में और अपने तो हम तो लाभ भी लेने देना चाहेंगे, उससे कुछ प्लस पॉइंट भी नहीं है। और जो ब्रिज जो बना उसके बारे में, कौन सा ब्रिज बना सर? पूरे मुंबई में सर कौन सा ब्रिज बना चाहेंगे आप? मुंबई लोग कहते हैं कि हमने किए तो पूरा मुंबई सिटी हमने करा है बना। लोग नहीं कहते हैं, माई सरकार कहती है किया है। ऐसे वो जो भी ब्रिज का आप बोल रहे हैं वो ब्रिज बहुत से टाइम पे वो तो महात्मा गांधी की जब सरकार थी वो टाइम पे वो ब्रिज की बुनियाद रखी गई थी। अब ओपनिंग ये कर रहे हैं तो कुछ उसका मतलब नहीं हुआ कि इन्होंने किया है माई सरकार। आप मेरे को एक काम बताइए तो माई सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र में किया, मुंबई महाराष्ट्र में किया हो मुंबई देवी में आना चाहिए, उनके साथ पब्लिक है, पब्लिक की सपोर्ट। पटेल साहब मुंबा देवी में 15 साल से है, फिर एक बार आएंगे अमित पटेल साहब के लिए बोलने की जरूरत नहीं। मैं नहीं, मुंबा देवी के बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े बोलते हैं अमित पटेल साहब। पैसे मत पूछिए आप, लेकिन मुंबा देवी से अमित पटेल साहब ने मुंबा देवी के लिए क्या क्या काम किया है। अमित पटेल साहब का एक परिवार है मुंबा देवी। अभी बताओ मायावती की सरकार अब तो मुंबा देवी में आपकी क्या लाना चाहिए, क्या देखना चाहते हो? सरकार को हम क्यों लाना चाहेंगे? आज के टाइम पे हम चाहते हैं महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में हमारी कांग्रेस की सरकार बने, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बने। हमारा ये है कि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में आनी चाहिए। आज ही सही नहीं आई यूपी की सरकार, कहती है 2.5 सालों में हमने बहुत से काम किए, क्या लगता है? आप मेरे को बताइए मायावती की सरकार ने क्या काम किया, आप मुझे एक भी काम गिना दीजिए। बरोबर, चलो मैं बताता हूँ आपको। मायावती सरकार ने, आप रिसेंट बारिश गया है, अभी ठंडी का सीजन आया, बारिश के आप देखोगे बारिश में क्या माहौल है। आप जो कह रहे हैं माई सरकार ने काम किया है, आप भी एक रहते हैं, आप भी आना जाना करते हैं, आपको भी मालूम रहेगा बारिश का माहौल ये आज के टाइम पे क्या रहा है, क्या काम किया है माई सरकार ने। आपने मुझे एक चीज बताई, अभी सर मुंबई की पहली बारिश में तो पूरा पानी भर जाता है नागपाड़े में, तो नागपाड़े में आप बता दीजिए कहाँ पानी भरा है, आप मुझे एक जगह जिना दीजिए जो यहाँ पे मुंबई नागपाड़ा मुंबई देवी में आप किसी सरकार देखना चाहते हो? सर यहाँ पे आज के टाइम में 15 साल से हमारे आमदार अमित पटेल साहब हैं, आने वाले अब की ये इलेक्शन में भी आमदार अमित पटेल साहब जीत के आएंगे, अब की बार चौथी बार अमित पटेल साहब हमारे। मैं अली मुल्ला से जो समीर सैयद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पब्लिक को। और नागपाड़े में समीर सैयद जी है जो बात की हमारे साथ। चलिए।